अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के भमोला मोड़ पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी। प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस जांच में जुट गई है। भमोला निवासी फारूक पूर्व में 2 बार सभासद रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं। आज वह घर से बाइक द्वारा किसी कार्य से जा रहे थे। जैसे ही वह भमोला मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से आ रहे अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मार दी। प्रॉपर्टी डीलर को 2 गोली लगी हैं, उपचार चल रहा है। अभी स्थिति स्थिर है। घर से निकल रहा था, 9:30 पहुंचा था तो भमोला मोड़ पर आया। मैं तो 3 लड़के आए मोटरसाइकिल पर, टाल-टालों ने गोली मार दी। और जब मैं चीखा बहुत जोर से, मैंने पकड़ो, उसके बाद 2 चिनार पे फायर करे उन्होंने। और शमशाद भी दुकानदार थे, उनकी बड़ी जिदारी रही, उन लोगों ने शोर मचाया बहुत, पकड़ो उसको, भाग गए। वो मोटरसाइकिल पल्सर पे थे। कितने लोग? 3 लोग। वो तो अगर मैं स्कूटर बैठ रहा, स्कूटर नहीं बचाता तो मेरे पेट पर मार देते, गोली मारने के इरादे से आए थे मुझे। मेरे पास पैसे भी थे, ब्रीफकेस मेरे पास था, मगर वो शोर मचाया तो भाग गए। सिविल लाइन क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। पुलिस जांच में जुटी है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक पूर्व सभासद को बमोला फाटक के पास गोली मारी गई है, उसे 2 गोलियां लगी हैं। इसके पहले भी जो एक गोली चली थी उसमें ये व्यक्ति अभियुक्त है, ये नाम आया है इसका। उसी परिपेक्ष में अभी तक उन्होंने कोई तहरीर नहीं दी है, कोई नामजद नहीं किया है किसी को। इसी परिपेक्ष में इसकी विवेचना की जाएगी। अभी फिलहाल वो खतरे के बाहर बताए गए हैं, और अगर ये किसी तरह की कोई रंजिश है वो नामजद कराते हैं, अज्ञात कराते हैं, ये भी देखने का विषय है। इसमें जिसने भी गोली चलाई है, जिसकी भी रंजिश है, जिस किसी ने भी ऐसा किया है या कराया है, उसके विरुद्ध आधारित कार्रवाई करेंगे।